नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, आज का बहुत बड़ा अपडेट है आपके RT के लिए। हमारी जो RT क्लासेज है, उनमें जो फीस निर्धारण है जो हम कर रहे थे, उसमें फीस बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। लेकिन आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस शिक्षा विभाग है उनके द्वारा जो पोर्टल को फीस निर्धारण के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ साथियों, ये सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप अपनी बढ़ी हुई जो भी फीस है वो निर्धारित कर सकते हो सेशन 2021-22 के लिए, और जो भी आपने की फीस बढ़ी हुई है वो फीस आप इस पोर्टल के ऊपर अपडेट कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे। आप किस प्रकार से अपनी फीस निर्धारित करोगे, किस प्रकार से आपको क्या करना होगा, देखिए इस वीडियो के अंदर आगे। देखिए साथियों, आप सभी को अपना RT पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जो भी आपके लॉगिन ID पासवर्ड है वो डाल लेना है। फिर आप सभी को जो हमारी विद्यालय प्रोफाइल है, साथियों ये सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। अपनी जो भी फीस निर्धारित आपने कर रखी है, जो भी आपने बढ़ाई है हर साल साल दर साल, उसको आप अपडेट करके यहाँ पे नई फीस डाल सकते हो। तो साथियों, विद्यालय प्रोफाइल में आपको आना है या विद्यालय फीस निर्धारण दे रखा है, ये सभी के लिए ऑप्शन ही खुला है, सभी के लिए ऑप्शन खोल दिया गया है। तो आप विद्यालय फीस निर्धारण जो ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो साथियों आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस के अंदर कुछ आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है कि जो 15/4/2017 है उसको विद्यालय स्तरीय जो फीस समिति उसका गठन किया गया था। जी हाँ साथियों, अब इसके अंदर जो पहली शर्त आपसे पूछा जा रहा है कि जो माता पिता अध्यापक संगम जो कमेटी, उसका गठन आपने किया है, अगर किया है तो कब किया है। यहाँ पे आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में डेट देखनी है। डेट देखने के बाद में यहाँ पे आपको डेट एंटर करनी है। मैनुअली जो भी आपकी डेट है वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, क्या अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया गया है? हाँ। और गठन की दिनांक क्या है? वो गठन की यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ये डेट देके और उसके अकॉर्डिंग इसको भरे। ध्यान से पढ़ना है साथियों को, गड़बड़ी ना हो। क्या अधिनियम की धारा के अनुसार विद्यालय का फीस का विनिमय हो गया है? उसका हाँ करना है। हाँ के अंदर आपको आपने कब हुआ विनिमय तो उसकी डेट यहाँ पर डालनी है। साथियों, ये सभी डिटेल्स आपको डालने के बाद में प्रोसेस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से नया इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में देख सकते हो आप साथियों, 2021-22 की फीस का निर्धारण आपको यहाँ पे करना है। जो भी आपकी बढ़ी हुई फीस है, यहाँ पे जो आपने क्लेम बिल भरा था, उस क्लेम बिल के अंदर जो भी आपने बढ़ी हुई फीस भरी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो साथियों। तो साथियों, आप सभी को ध्यान से इस पोर्टल को पढ़ना है। आप देखिए, नर्सरी क्लास के अंदर भर सकते हो, LKG सारी क्लासेज यहाँ आपके सामने शो हो रही है। और सभी क्लासों के अंदर जो भी आपकी फीस है वो निर्धारित करने के बाद में साथियों इसके नीचे एक सुरक्षित करे का एक बटन दे रखा है। तो साथियों, ये कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर ले। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।